नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए, आपका दिन क्या लाभ दिलाने वाला है आज, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आपका आज का राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चर्चा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो आपको देगा कर्ज से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। आज आप में बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा, प्रसन्नता रहेगी और ऊर्जा भी आज बहुत ज़्यादा रहेगी। आप जिस तनाव या दबाव का सामना पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, उसमें आज आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, धन का लाभ होगा और मुनाफा होगा। आज पैसों की स्थिति अच्छी है, लेकिन अपने निवेश पर आज आपको पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखें, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए शुद्ध देशी घी का मंदिर में दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके फेवर में है। काम का थोड़ा सा आज प्रेशर, दबाव आप महसूस कर सकते हैं और अपने मन को आज नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके अपने दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पे पूरा जो दिन है आपका सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें, तो बस आपको ये टिप्स अपनानी है और साथ ही में आप अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं हमें मेल के जरिए भी भेज सकते हैं। पंडित जी, आज का जो मेल है वो ममता जी करती हैं। 11/9/88 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 7:30 बजे का जन्म है इनका जी। पंडित जी कहती हैं कि इन्हें अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, इनके विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए आपसे गुड लक टिप्स चाहते हैं। देखिए बेटा, मांगलिक कुंडली है आपकी, मंगल आपके जन्म कुंडली में जो है सप्तम भाव में बैठा है, उसके साथ साथ शनि चतुर्थ स्थान में, तो हैवी मंगल जिसको बोलते हैं, मंगल शनि दोनों आपकी जन्म कुंडली में मौजूद है। लेकिन अभी आपको मंगल की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर मई 2015 तक चल रहा है। तत्पश्चात में मंगल की महादशा और सूर्य का अंतर आएगा। मई 2015 से लेके सितंबर 2015 का जो समय है, लगभग 5-6 महीनों का समय, निश्चित तौर पे वह आप उस समय के दौरान आपका विवाह तय होगा और अच्छे घर के अंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ा लिखा आपको बहुत वेल एजुकेटेड पति आपको मिलेगा। और एक विशेष बात जो ये है कि आप चाहते हैं कि यदि आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस मंगल शनि की शांति विवाह से पूर्व अवश्य करवा लीजिएगा। एक घट विवाह होता है वो भी आप करवा लीजिएगा। नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करें, तुलसी जी में केसर मिला जल अर्पण करें और 11 परिक्रमा करें। निश्चित तौर पर अगले 5-6 महीने में ही आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकती है जी। पंडित जी, इसी के साथ प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने भाई युवराज के लिए आपसे सवाल करना चाहती हैं। 21/1/94
जन्म तारीख है इनके भाई की और सुबह के 4 बजे का जन्म है, 21/1/94 सुबह के 4 बजे। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्णा। भाई की मतलब पैर बढ़ाई में मन नहीं लगता था और कहीं अभी काम पे है तो वहाँ पे भी थोड़ा ही मन लगता है, गुस्सा बहुत आता है इसको, पता नहीं क्या है इसके। ऐसा बेटा, इसके जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा राहु का अंतर चल रहा था जो अभी 7 जनवरी 2015 को खत्म हो गया, यानी कल ही खत्म हुआ है। ये पिछले 2013 से ही चल रहा था, जुलाई 2013 से, और राहु इसके लग्न में बैठा है शरीर दिमाग में। राहु जिस घर में बैठता है उस घर में उतार चढ़ाव कर देता है, तो इसकी सोच विचार इसके दिमाग में अस्थिरता पैदा कर दिया उसने पिछले 2 सालों से। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है और आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे इसके विचारों में स्थायित्व तो आपको देखने को मिलेगा। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, मंगल उच्च का होकर बैठा, शनि स्वग्रही है, इसको थोड़ा प्रमोट करने की आवश्यकता है, सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है। सन 2015, 2016, 2017 3 साल इसकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। इसको बोलिए एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें और राहु को शांत करने के लिए पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो रविवार को वहाँ दर्शन करें, उड़द के दाल के बने पकवान चढ़ाएं, नियमित रूप से गौ सेवा, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना इसकी ज़िंदगी में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकती है। जी प्रमोद जी, पंडित जी ने आपको आपके भाई के लिए गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर परीक्षित जी अपने पिता कैलाश के लिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। 4/8/69 जन्म तारीख है इनके पिता की और सुबह के 10 बजे का जन्म है, सुबह के 10 बजे 4/8/69। परीक्षित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। सर मैं जानना चाह रहा था पिताजी के बारे में, मतलब संघर्ष कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। हाँ। और मम्मी भी संघर्ष कर रहे हैं, मकान अभी तक बना नहीं है, दीदी की शादी करनी है। हाँ। सब समस्या ही समस्या है, कोई उपाय हो तो पिताजी की और माता जी का, मतलब कुंडली दोनों स्त्री पुरुष की तो एक साथ चलती है, तो आप ये देख के भी बता दें कि कैसा रहेगा इन। देखो बेटा, आपके पिताजी की जन्म कुंडली में एक तो अष्टम भाव में चंद्र और शनि दोनों एक साथ बैठे, चंद्र और शनि जो अगर साथ बैठ जाता है तो विष योग बन जाता है। कौन सा योग? विष योग। और उसके ऊपर से शनि जो है वो नीच का और होके बैठ गए, तो जब शनि नीच का हो जाए और विषयोग बना रहा हो तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो इंसान होते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव होता है। मृत्यु नहीं होना, बट मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव होना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि रहे, आपके पिता जी के जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, तो सबसे पहला काम तो ये है, अपने पिताजी को बोलिए कि एक तो नियमित रूप से उनको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, आपके पिताजी के वजन के बराबर गुड़ लीजिए, पास में गौशाला में जाइए, वहाँ पे गायों को खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट है हमारे माता पिता के जीवन में वो सभी दूर हो। बड़ा ही चमत्कारिक मिरेकल करने वाला उपाय है, इसको करके देखिएगा, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। सितंबर 2015 के पश्चात अगले जो 7 साल हैं आपके पिताजी के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। सही दिशा में लोहे से संबंधित काम नहीं करना, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जी परीक्षित जी, उम्मीद है कि इन उपायों को करने से आपके पिता की सारी परेशानियां दूर होंगी। पंडित जी, अगले कॉलर कैलाश जी हैं, 15/12/78 जन्म तारीख है इनकी और सुबह के 9:30 बजे का जन्म है इनका। कैलाश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी बोली। सर मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म कोटा में हुआ है और डेट ऑफ बर्थ 15/12/78 है जी। पूछिए क्या जी। पूछना चाहते हैं कैलाश जी, सवाल पूछिए, क्या जानना क्या चाहते हैं आप? मैडम मेरे क्या सिर से संबंधित बीमारी है जी, है ना, और तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती, उम्र भी कम है और
जी मैं जानना चाहता हूँ मैडम, ये कौन मेरे ग्रह खराब है क्या है स्थिति, मतलब क्या सिर में बीमारी है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती मेरी। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव जो आयु का स्थान होता है, जो बीमारी का घर होता है, वहाँ पे दो ग्रह एक साथ बैठ गए, शनि और राहु, और वो भी अपनी शत्रु राशि सूर्य के घर में। आपके जो फिजिकल हाउस शरीर के दिमाग का जो स्वामी है शनि, वो अष्टम भाव में मृत्यु के स्थान में जाके बैठ गया, इस वजह से सिर से संबंधित बीमारी करता है, वो भी शत्रु राशि सूर्य के घर में। तो ये जो दो ग्रह एक साथ में नकारात्मक होकर आपके आयु के स्थान पे बैठ गए, इसके कारण आपको ये जो फिजिकल अनफिटनेस है, विशेषकर जो सिर से संबंधित बीमारी है, उनका आपको सामना करना पड़ रहा है। और शनि की ही महादशा चल रही है 19 साल की, बड़ी लंबी महादशा अभी तो चलेगी शनि की। तो एक तो सबसे पहला काम तो ये है कि शनि को शांत करने के लिए जो मुख्य बात है वो है हनुमान जी की आराधना। मंगलवार शनिवार नियम बांध लीजिए कि सुंदरकांड का पाठ करना है, नियमित रूप से रोज आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है, सरसों के तेल का दीपक लगा के घर में ही करना है, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखें और सुबह उठ के उस जल का सेवन करें। ये ध्यान रखिएगा, सोते समय अपना सिर पश्चिम दिशा में नहीं रखना है और उत्तर दिशा में नहीं रखना है। सोते समय जो आपका सिर होना चाहिए वो या तो दक्षिण में होना चाहिए या पूरब में होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने वजन के बराबर यदि आप पूर्ण स्वास्थ्य सुख चाहते हैं और सिर से संबंधित ये फिट से संबंधित बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, तो अपने वजन के बराबर गुड़ लीजिए। आपके घर में जो भी हो उनको बोलिए, आप खुद स्वयं जाइए गौशाला में, गायों को एक एक गुड़ का लड्डू अपने हाथ से खिलाते जाइए, ये प्रार्थना करते जाइए कि हे गौ माता, मुझे पूर्ण शरीर का सुख प्रदान करें, पूर्ण आयु का सुख प्रदान करें, साल में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान करें। तो निश्चित तौर पर जो हॉस्पिटलों में आप पैसा खर्च करते हैं, दवाइयों में जो पैसा खर्च करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर महेंद्र जी रिजपाल के लिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। 19/5/90 जन्म तारीख है, 19/5/90 दोपहर के 1 बजे का जन्म है। महेंद्र जी, जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, सुप्रभात। सुप्रभातम, खुश रहिए, जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछना चाहता था, ये मेरे साले का बच्चा, इसका करियर कैसा रहेगा, ये पढ़ रहा है पर जी महेंद्र जी, इस बच्चे की जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे, गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य चंद्र मंगल योग इसके जन्म कुंडली में बना हुआ है, भाग्यशाली बच्चा है, भाग्य से इसको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। नौकरी व्यापार का जो स्वामी है शुक्र, वो उच्च का होके बैठा हुआ है, या तो बहुत उच्च पद पे सरकारी नौकरी अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो बड़ा उच्च पद प्राप्त कर सकता है, व्यापार में भी बहुत लाभ और बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापारी ये बन सकता है। लेकिन इसके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन गया, सर्प दोष बनने के कारण इसको हर काम में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसकी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको बोलिएगा कि जो दोस्त हैं, सर्किल है, वो अच्छे से बनाए, कहीं किसी के लफड़े में पचड़े में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट का इसको काम नहीं करना है, किसी की जमानत नहीं लेनी, कोर्ट कचहरी से इस बच्चे को बचना, ओवरऑल संगत का ध्यान रखिए, सब दोष की विधि विधान से पूजा करवा लीजिएगा उज्जैन जाके, और बाकी ओवरऑल कुंडली जो है वो बहुत अच्छी, प्रमोट करने की आवश्यकता है, पुश करने की आवश्यकता है, ये बच्चा नाम रोशन कर सकता है अच्छे क्षेत्र में और बुरे क्षेत्र दोनों में, निर्णय अपने ऊपर है कि इस बच्चे को सही दिशा देने की अति आवश्यकता है। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ जान लेते हैं कि कर्क सिंह और कन्या राशि में आज क्या खास है आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए जो काम है, रोजमर्रा के जो भी काम होते हैं, वो आज निश्चित तौर पर पूरे होंगे। पैसों की स्थिति में ठोस सुधार लाने के मौके आज आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन आज आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा जोखिम आपको नहीं उठाना है। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल गायत्री मंत्र का, महामंत्र माना जाता है गायत्री मंत्र, उसका जाप करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, और यदि आज आप मेहनत करें तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। कुछ नया और कुछ अनूठा करने की आपकी जो कोशिश है, आज कई तरीकों से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइए। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने एक साथ
कई तरह के काम रहेंगे, कई कामों को आज आपको उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत करिएगा, दिन अच्छा रहेगा। दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाने वाला है आज का दिन आपके लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले कैसे अपने दिन को अच्छा बनाएं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये संकोच आपका जो है आज खत्म होगा। आज आप लाभ के मामले में, प्रॉफिट के मामले में निश्चित तौर पर भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन निवेश सोच समझ कर करना। स्वास्थ्य के विषय में भी आज आपको ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करके दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जो सोचेंगे वे आसानी से कर भी सकते हैं। आज आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान करिए, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अव्यवहारिक और नकारात्मक सोच उससे अपने आप को दूर रखें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूरे दिन काम करें। मकान भूमि संबंधी निश्चित तौर पर कार्य बनेंगे, कोर्ट संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य प्रदान करें, परिक्रमा करें, फिर घर से निकले, पूरा दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी यहाँ पर कॉलर आरती जी है, 25/9/87 शाम के 4:20 का जन्म है इनका। आरती जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए जी, सवाल कीजिए आरती जी। जी पंडित जी, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इनका 2 साल पहले सगाई टूट गई थी, तो विवाह संबंधित ही आपसे गुड लक टिप्स, सारी उपाय जानना चाहते हैं और साथ ही में जॉब के बारे में भी आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, आपको गुरु की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है, दिसंबर 2016 तक ये आपका पीरियड शुरू हो चुका है, सन 2013 से अप्रैल से। शुक्र आपकी जो कुंडली के अंदर है वो नीच का होकर बैठा है। आपके भाग्य स्थान में 2 ग्रह बैठे हैं, एक तो सूर्य शुक्र और केतु, 3 ग्रह हैं। शुक्र वहाँ पे नीच का हो गया, जो विवाह का जो कारक ग्रह होता है वो नीच का होके यदि बैठ जाए तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो शुक्र की जो नेगेटिविटी है उसके कारण आपके ये जो एंगेजमेंट टूटा आपका, वो एक प्रमुख कारण बनता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शुक्र को शांत करने के लिए एक तो शुक्रवार के दिन कन्या भोजन अवश्य करा करें। छोटी सी कन्या को जरूरी नहीं भोजन, आप कुछ मिठाई खिला सकते हैं, टॉफ़ी दे सकते हैं, कुछ श्रृंगार की सामग्री दे दी, कभी लिखने करने की सामग्री दे दी। स्नान करते समय उस जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के, गाय का कच्चा दूध डाल के फिर उससे स्नान करिए। और यदि वहाँ कौवे मिल जाए जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो शुक्रवार को कौवों को पनीर खिला सकते हैं, या उसके साथ में गांठें आती नमकीन की वो खिला सकते हैं, खीर खिला सकते हैं, गाढ़ी खीर। तो निश्चित तौर पर शुक्र की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। सन 2015 तुला राशि आपकी है, तुला राशि पे से शनि की 7:30 उतर चुकी है। 2015-2016 आपके करियर के लिहाज से, आपके विभाग के लिहाज से बड़ा अच्छा समय है। एक तुलसी जी की आराधना आपको अवश्य करनी है, परिक्रमा करनी है, घी का दीपक लगाना है, जल अर्पण करना है। सरल से उपाय आपके जीवन में, चाहे वो आपका नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका विवाह का क्षेत्र हो, उसमें बड़े ही चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं, करके देखिएगा, श्रद्धा से करिए। आरती जी उम्मीद है कि आपको आपके मनचाहे गुड लक टिप्स मिल गए हैं। पंडित जी अगली कॉलर दीपिका जी अपने पति देवेश के लिए सवाल करेंगे। 3/5/89 रात के 8:05 का जन्म है इनके पति का। दीपिका जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए जी। मैं उनके लिए पूछना चाहती हूँ कि वो अपने कौन से क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, मतलब कौन से इसमें जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, जैसे वो अभी फैक्ट्री भी डालना चाहते हैं तो उसमें तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए बेटा,
आपके जो पति की जन्म कुंडली है उसके अंदर अभी शुक्र की महादशा राहु का अंतर चल रहा है जुलाई 2012 से, और ये ख़त्म होगा जुलाई 2015 में। तो राहु का काम ही यही है कि अड़चन लेके आना। तो अगर आप पिछले 2-3 साल से यदि आप देख रहे हो तो आपके पति के कामों में लगातार अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये जितनी भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, ये इस वर्ष जुलाई के पश्चात में ख़त्म हो जाएगी। उसके पश्चात में 3 साल का बहुत ही बेहतर समय आपके पति का आ रहा है। जो भी ये काम करें उस काम में निश्चित तौर पे इनको फ़ायदा होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इनके ग्रह अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं, सूर्य उच्च का होके बैठा है। ये यदि मेहनत करें, प्रयास करें, सही दिशा में काम करें तो आने वाला जो समय है वो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बड़ा ही भारी परिवर्तन इनकी ज़िंदगी में आ सकता है। बोलिएगा नियमित रूप से सूर्य आराधना अवश्य करें, सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, साथ साथ में रोज गौ सेवा अवश्य करें, और उसके साथ में विशेष तौर पे पास में कोई रविवार के दिन अगर भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे जाएं, उड़द की दाल के बने हुए पकवान भैरव जी के चढ़ाएं, भैरव चालीसा का पाठ करें, काम शुरू करिए, फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करेंगे अंतिम राशियों की और जानेंगे कि मकर कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कितने ही दिनों से पैसे वाला जो काम आप सोच रहे हैं वो काम आज आपका अचानक पूरा हो सकता है। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पे सुधार आने दिखाने वाले कुछ ठोस मौके जो हैं आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीपक जलाकर पाठ करिएगा, फिर घर से निकलिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पैसों से जुड़ी किसी समस्या का समाधान आज हो सकता है। अगर किसी के साथ विवाद होता है तो आज आपको थोड़ा सा विनम्र बने रहना है, शांत बने रहना है। घर का माहौल ठीक नहीं रहे तो आज आपको धैर्य बना के रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करिएगा, देखिएगा दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होता दिखाई देगा और जल्द ही कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए केले के वृक्ष की पूजा करिएगा, फिर घर से निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, इसी के साथ ही में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी निश्चित तौर पे, आज गुरुवार का दिन है, आज के दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना से जीवन के सारे कष्ट संकट मिट जाते हैं। तो यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हो, बड़ी भारी समस्या आज के समय में ये जो कर्ज की स्थिति होती है, लगभग हर आदमी लोन ले लेता है और फिर वो कर्ज में डूबता चला जाता है। तो यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हों तो आज किसी पीपल के वृक्ष पर आज आपको पानी जल का अर्घ प्रदान करना, शाम के समय या सुबह के समय एक समय घी का दीपक लगाना है। भगवान पीपल का जो वृक्ष है उसमें भगवान विष्णु का वास माना गया, माँ लक्ष्मी का वास माना गया, और अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक मंत्र का जाप मैं आपको बता रहा हूँ जो शीघ्र ही आपके कर्ज से संबंधित सारे कष्ट दूर कर सकता है। ओम वशिष्ठकाराय नमः, बड़ा सरल मंत्र, छोटे छोटे मंत्र मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कर सके, आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। ओम वशिष्ठकाराय नमः, कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें, मनोकामना का ध्यान करें, देखिएगा कर्ज से मुक्ति होगी, घर में बरकत रहने लगेगी। दर्शकों उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दोस्तों अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।